नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मन में इस समय एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि पैप के मिनट जारी हुए हैं और पैप के मिनट जारी होने के बाद से ही सभी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए पैप के मिनट में क्या रखा गया है। अभी तक किसी को भी इस स्थिति का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि पैप में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के बारे में क्या जानकारी है, लेकिन सभी के मन में अलग अलग तरीके के विचार चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि क्योंकि पैप में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का कोई विवरण नहीं दिया गया है, तो हो सकता है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के पदों को समाप्त कर दिया जाए, या कुछ का ये कहना है कि आगे जाकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का समायोजन भी किया जा सकता है। इसके बारे में अलग अलग तरीके की जो राय है वो निकल के आ रही है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक इस पे स्थिति बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज की जानकारी देता हूं, जो मैंने लास्ट टू वीडियो में भी आपको बताया था कि आज जो है वो श्री कौशल किशोर जी के द्वारा जो है एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही सम्मिलित किया गया था। इसके संबंध में मैंने आपको पूर्ण अपडेट बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने इस मीटिंग में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के सदस्यों से मुलाकात करी और उनको बताया है कि बहुत जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। तो यहां पर आपका जो पहला वाला डाउट है वो क्लियर हो जाता है कि किसी भी हाल में अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को अपनी नौकरी नहीं गंवानी है, उनको किसी कोई भी हटाने वाला नहीं है। इसके साथ साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अनुदेशकों के प्रदेश अध्यक्ष है राकेश पटेल जी, उन्होंने भी एक पोस्ट की थी और उन्होंने भी एक स्थिति के बारे में बताया था कि जो पैप के मिनट है उनको लेकर आपको परेशान नहीं होना है और जहां तक इसकी स्थिति जो है वो सोमवार शाम तक क्लियर हो जाएगी। मैं आपको उनकी पूरी वो पोस्ट दिखा देता हूं। उस पोस्ट में उन्होंने आज से संबंधित जो बैठक हुई थी उसके बारे में भी बताया है और इसके साथ साथ पैप के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल से बताया है। तो सबसे पहले हम उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रिय अनुदेशक साथियों नमस्कार, आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद श्री कौशल किशोर जी से अनुदेशकों का पक्ष रखने के लिए प्रदेश कोषाध्यक्ष जिला अध्यक्ष बाराबंकी रणवीर सिंह जी की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश की टीम, जिसमें प्रदेश सचिव अजीत कुमार, जिला उपाध्यक्ष बाराबंकी सुशील वर्मा और जिला महामंत्री बाराबंकी नीरज पटेल रहे। उक्त मुलाकात में अनुदेशकों का पक्ष रखते हुए रणवीर सिंह जी द्वारा अनुदेशकों की विस्तृत परिचय आरटी एक्ट 2009 को बताते हुए अनुदेशकों के अपने ही पद पर नियमित करने की सिर्फ एक ही मांग को मजबूती से उठाया गया, जिसे केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि जल्द ही इन लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाए। जल्द ही आप लोगों की मुलाकात आपकी समस्याओं के समाधान हेतु मानव संसाधन विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ जी से करवाते हुए आप अनुदेशकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने लिखा है, इस समय बहुत सारे अनुदेशक साथी पैप मिनट्स को लेकर परेशान हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार की शाम तक पैप की स्थिति साफ कर दी जाएगी। आपका साथी राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। तो ये पूरी पोस्ट मैंने दिखाई, सुबह मैंने आपको डिटेल से बताया भी था जो आज बैठक हुई है उसके बारे में। इसके साथ साथ इस पोस्ट को दिखाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि जो आपने लास्ट में तीन लाइनें पढ़ी हैं उससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि सोमवार की शाम तक जो पैप की स्थिति है वो जहां तक है साफ हो जाएगी और वहां यहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की स्थिति इसमें क्या है। यानी कि आपको परेशान नहीं होना है, पैप के मिनट्स जारी हो गए हैं, भले ही उसमें अभी तक आपको कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सोमवार की शाम तक शायद इस पर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। इस पर हमारी भी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है और इससे संबंधित जो भी अपडेट निकल के आएगी वो लगातार हम अपने चैनल पे आपको दिखाते रहेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।